हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। आज मैं एक बहुत रिलेवेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की खबर है कि विनेश फोगाट जो रेसलर हैं वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं पेरिस ओलंपिक से। गोल्ड मेडल की दावेदार थी लेकिन वह डिसक्वालीफाई हो चुकी हैं। ये डिसक्वालिफिकेशन का कारण क्या है? डिसक्वालिफिकेशन का कारण वेट है, ओवरवेट थी वो, सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट थी और इसलिए वो 15 केजी कैटेगरी में नहीं खेल सकी और जो पहले उन्होंने पदक लिए थे वो भी उन पदकों से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। खैर, ये तो एक बात थी, लेकिन अगर हम इस घटना को एज अ लेसन अपने बच्चों को सिखाना चाहें तो इसमें क्या सिखाने लायक है? आज मैं एक परिचित से मिली, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात शेयर की कि जब भी वे अपनी बच्ची के मार्क्स पूछती हैं, चाहे वो फर्स्ट टर्म के या क्वार्टरली एग्ज़ाम के, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के, तो बच्ची का यही कहना होता है कि आप भी अदर पेरेंट्स की तरह ही मेरे से मार्क्स के पीछे मेरे मार्क्स के पीछे पड़े रहते हो। ठीक है, क्या मार्क्स 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 ऑल द टाइम, पूरा ड्रामा क्रिएट करती है। समस्या ये नहीं है कि मार्क्स क्यों पूछे जा रहे हैं, समस्या ये है कि सेल्फ एवेल्युएशन बच्चे कैसे सीखेंगे। ना वो खुद करना चाहते हैं, ना वो पेरेंट्स को करने दे रहे हैं। पेरेंट्स भी अधिकांश समय ट्यूशन पे निर्भर हैं, कोई ट्यूटर आता है या ट्यूटर के पास जाते हैं तो वो ये सब चीज़ें मैनेज करता है। जैसे ही पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या नहीं बना और क्यों गलत हुआ, कितने मार्क्स कम हैं, तो एक स्टैंडर्ड नैरेटिव है कि पेरेंट्स बच्चों के मार्क्स के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि हम ये घटनाएं देख रहे हैं कि 100 ग्राम ही ओवरवेट होने की वजह से इतने बड़े स्टेज से हमारी एथलीट को डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, ये हर क्षेत्र में है। हम मार्क्स की बात सिर्फ पढ़ाई के लिए करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में करते हैं, लेकिन मार्क्स हर जगह एक क्राइटेरिया है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। ठीक है, आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लीजिए, एक एक नंबर से बच्चे एक एक साल पीछे हो जाते हैं और कई लोग पूरी तरह से डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। यही नहीं, आप अगर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, अगर आप बात करते हैं कि सिंगिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, क्या आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं दिखाई देते? ये जो 10-9 नंबर्स ही का तो गेम है, तो आप इससे मार्क्स को अनदेखी नहीं कर सकते। जहाँ पे मार्क्स नहीं है वहाँ पर कोई और क्राइटेरिया है। तो बात यह है कि अगर मार्क्स है तो वो थोड़ा सा आसान है कि कम से कम अगर बच्चे को 10 में से 6 नंबर मिल रहे हैं तो हमें 4 नंबर की तैयारी करनी है। हमें पता है कि बच्चा कौन कौन से फील्ड में नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो हम उसकी तैयारी करवा सकते हैं। अब ये बात कि सेल्फ एवेल्युएशन या फिर मार्क्स को लेके इतना फियर क्यों है बच्चों में? असल में पिछले कुछ वर्षों में सेल्फ प्रेज की और बच्चों को प्रेज करने की जो विधा सामने आई है कि बच्चों ने कुछ किया उससे पहले ही उन्हें प्रेज कर दिया जाता है। बच्चे सो के उठे तो उन्हें प्रेज कर दिया जा रहा है, बच्चे खाना फिनिश कर देते हैं तो उन्हें प्रेज कर दिया जाता है, बच्चे अगर होमवर्क कर देते हैं तो उन्हें प्रेज कर दिया। मतलब छोटी छोटी सी घटनाएं जो कि आम घटनाएं हैं, जिन्हें हम सभी को करना चाहिए, जो कि डेली रूटीन में होनी चाहिए, जो कि हर व्यक्ति की ड्यूटी है, वो अगर एक बच्चा फर्स्ट टाइम करता है तो आप उसको प्रेज कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल टाइम प्रेज करते हैं तो ये जो आपका एप्रिसिएशन है वो डिग्रेड हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। एक छोटा काम भी किया तो बच्चा एक अथॉरिटेटिव नेचर का हो जाता है और उसे उस बात के लिए प्रेज चाहिए। अगर नहीं प्रेज किया गया या अप्रिशिएशन या वेरी गुड नहीं बोला गया, बहुत अच्छा नहीं बोला गया, तो वे सोचते हैं कि मैं तो डिजर्विंग था लेकिन मेरे पेरेंट्स ही वैल्यू नहीं करते मेरे अचीवमेंट्स का, और उन अचीवमेंट्स का के बारे में उनकी एक अपनी अवधारणा, एक अपना सेल्फ नोशन होता है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। छोटी उम्र में, प्राइमरी में, ये किसी हद तक सही भी है,
हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, बच्चा अपने आत्मविश्वास में रहता है कि मैं अगर नहीं भी पढ़ूं तो कोई बात नहीं, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, कुछ सीखना भी ज़रूरी नहीं है। और फिर उसके बाद पेरेंट्स लिखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरे बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है, तो इन सब समस्याओं के लिए बहुत ही इनिशियल स्टेज में जब बच्चे प्राइमरी में होते हैं तब उनमें ध्यान देना और सेल्फ एवेल्यूशन की जो प्रैक्टिस है वो करना, सेल्फ एवेल्यूएशन करवाना खुद से भी, अगर वो खुद नहीं करते हैं तो आप उसमें भागीदार होइए और कराइए। सेल्फ एवेल्यूएशन कैसे कराया जा सकता है? बहुत ही आसान बात है। कई बार जब बच्चा एग्ज़ाम देकर आता है तो क्वेश्चन पेपर्स लेके आता है, जब क्वेश्चन पेपर्स लेके आता है तो उनके साथ बैठ के हमें डिस्कस करना होता है कि आपसे कितने क्वेश्चन नहीं बने, क्यों नहीं बने। तो अगली परीक्षा जब होगी, अगले एग्ज़ाम तक वो जो 30% 40% या 20% जो भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट्स, जो पोर्शन ऐसा था जिसमें जिसमें हार्डवर्क करके उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जा सकता है, तो वो साथ में बैठ के पेरेंट्स को करना चाहिए, करवाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद ये होता है, उसके बाद डे बाय डे ग्रेजुअली, ये नहीं कि एक दिन कराया और उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा कम और थोड़ा कम और फिर फिनिश ही हो जाता है। तो ग्रेजुअली हमको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हमको अगर ये 30% पोर्शन नहीं बन रहा है तो हमको डे बाय डे इस पे बच्चे पे कैसे ध्यान देना है। दूसरी बात कि जब मार्क्स आता है तो इसको कभी भी हल्के में नहीं लीजिए। मार्क्स में अगर वो 50 मार्क्स का है और सपोज किसी बच्चे को 40 मार्क्स आया है तो 10 मार्क्स पे, यानी कि जो आपसे नहीं बना है उस पे ज़्यादा महत्व दीजिए, उस पोर्शन को की तैयारी ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा करवाइए। ज़रूर पूछिए कि वो 10 मार्क्स कहाँ कहाँ आपको नहीं मिले, क्या क्या गलत किया है आपने। ठीक है, उस पे हम काम करेंगे। और इसके लिए डांटना चिल्लाना या फिर किसी भी तरह का हार्म करना बच्चों को, ये कहीं से उचित नहीं है। लेकिन उन विषयों पर जहाँ पे बच्चे वीक हैं, आपको लगता है वीक है, बच्चा वीक नहीं होता है, उसके साथ साथ बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो खुद भी आराम से कर लेते हैं। बच्चे को थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है अगर आप उनके पास बैठें। कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स का कमेंट होता है कि मेरा बच्चे को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता और मैं किस ट्यूटर के पास जाऊँ, मैं कौन से एकेडमी ज्वाइन करवाऊँ। तो ये बिल्कुल बिना सेंस की बात है। आपका बच्चा घर में नहीं पढ़ रहा है तो बाहर जाके एकेडमी में या किसी दूसरे के साथ पढ़ना असंभव बात है। तो जब बच्चा प्राइमरी सेक्शन में है तभी आप उसके साथ बैठिए। कई बार पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं होते हैं, हो सकता है कई बार वर्किंग पेरेंट्स हैं या फिर पढ़ाने के तरीके नहीं आते। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा है कि प्राइमरी तक तो सभी को पढ़ाना आ सकता है। आप एक बार उस किताब को पढ़ लीजिए, चैप्टर को पढ़ लीजिए और उसको अपने तरीके से समझा दीजिए, क्योंकि इतना फिफ्थ तक पढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं। बस इतनी सी बात है कि आप उनके पास बैठे, टीचर्स भी पढ़ा ही रहे होते हैं तो बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में उनको पहले से पता होता है, ग्रामर का पोर्शन पढ़ा पता ही होता है, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस करवाती हूँ, ऑनलाइन रहती हूँ, तो जो भी टॉपिक बच्चों को नहीं बनते हैं तो वो मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि उनको प्रिपेयर करूँ। सो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि चाहे वो वर्किंग पेरेंट्स हों या होम मेकर्स हों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पोर्शन नहीं आता है उसको अपने एंड से हम कैसे पूरा करवा सकते हैं, उनको अधिक समझ में आए इसके लिए। क्योंकि हम मार्क्स के लिए कितना भी हम मार्क्स को कितना भी डिनाई करें, लेकिन मार्क्स बहुत महत्व रखता है, कम से कम स्कूल्स में, फिर कॉलेजेस में, या फिर आप बच्चे को ओपन स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो भी मार्क्स की अपना महत्व है। ठीक है, आप किसी म्यूज़िक में, डांस में डालना चाहते हैं, इवन एथलीट बनाना चाहते हैं, तो भी हर एक जगह पे योग्यता का एक पैरामीटर है, एक पैमाना है जिसको बच्चे को डे टू डे लाइफ में तय करना है। और ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए पेरेंटिंग कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, और हम हर दिन सीखते हैं पेरेंटिंग में, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों के साथ आप
ज़रूरी नहीं है जो पैरामीटर आप पहले बच्चे के साथ ले रहे हैं वही आप दूसरे बच्चे के साथ तय करेंगे। तो आप बच्चे के अकॉर्डिंग ही अपने पैरामीटर्स बनाइए और चेक करिए कि कहाँ कहाँ बच्चों से गलतियाँ हो रही हैं, और प्राइमरी में ही, प्राइमरी सेक्शन में जब बच्चा है तब ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर बातें हाथ से निकल जाती हैं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो बहुत कठिन बात हो जाती है। सो मैं अपनी मैं आज की बात यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मुझे कोई और विषय मिलेगा बच्चों के मनोविज्ञान से संबंधित, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे मुझे आपसे बात करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ, और आप सभी से गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं लगभग सभी विषयों पे अपने वीडियोस बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आसान तरीके से समझा सकूँ। तब तक के लिए बाय।